चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और फटाफट से आज बताएंगे स्टूडियो मास्टर क्रॉसओवर सेटिंग कैसे किया जाता है और इसका टेस्टिंग भी। तो यहाँ पर मैंने एमटी सीरीज लगा कर रखा है, यहाँ पर बेस डाला है और दो नंबर चैनल पे मीड डाला है और यहाँ पर 250 वाट के एम्पलीफायर में मैंने हाइस डाला है, ठीक है। वहाँ पर मेरा दो जेबल टॉप लगा कर रखा है और चलिए वहाँ पर मैंने SM6 लगा दिया है। वहाँ से दोनों इनपुट लेके मैंने सेटिंग कर दिया चैनल 1 और 2 में, ओके। देखिए यहाँ से लो में लेके मैं बेस में डाला है, मीड को लेके मैंने टॉप में लगाया और यहाँ पर हाइस मतलब जो ट्विटर के लिए लगा कर रखा है, जो ट्विटर है मेरे वो ऊपर दिखाई जा रहा है शायद आप लोगों को, ऊपर वाला वही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैंने गाना को रेडी कर दिया हूँ, आप प्ले करेंगे तो इससे पहले मैं थोड़ा साउंड इसको उठा लेता हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते। देखिए ये वाला बेस का काम करने में इसको ऑफ करके रखा है, देखिए इसको ऑन करने से सिर्फ बेस बाजेंगे। इसको ऑन कर दिया तो सिर्फ मीड बाजेंगे। इसको ऑन करने से सिर्फ हाइस बजेंगे। चलिए अब एक साथ देता हूँ। ये सिर्फ तीनों का सेटिंग बताया है। यहाँ पर देखिए जो क्रॉसओवर सिस्टम है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, तो ज़्यादा इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तीनों को सीधा सीधा बीच में करके रखना है, ठीक है। और थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर 18 इंची वाला बेस वाट थोड़ा ज़्यादा है तो एक दो काटा इधर कर सकता है, तो बेस का क्वालिटी बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। दिखा देते हैं, ये जो क्रॉसओवर का है ना, तो इस साइड में अगर थोड़ा सा एक दो काटा घुमा दिया ना तो क्या होगा, बेस थोड़ा भारी हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो मीट का जो वॉल्यूम है इसमें बेस आना शुरू हो जाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि दोनों को बीच में सीधा सीधा रखे, ठीक है। और इसके बाद ये तीनों वॉल्यूम कंट्रोल करें किस में कितना डालना है, ओके। ये 3 वे चल रहा था लेकिन अब 2 वे करेंगे, तो पीछे का जो स्विच दे रखा था यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 वे या 3 वे दे रखा है, तो मैंने इसको दबा दिया। अब क्या होगा कि ये तीनों में से एक बंद हो जाएगा, मतलब कि मिडिल वाला बंद हो जाएंगे, इसमें सिर्फ बेस बजेंगे और इसमें हाई फ्रीक्वेंसी मिड फ्रीक्वेंसी दोनों आने लगेंगे, ठीक है। ये एक ऑफ हो जाएंगे, देखिए मैं अब इसको ऑन करता हूँ लेकिन बजेगा नहीं, देखिए मैंने इसको ऑन कर दिया लेकिन बजेंगे नहीं, ये दोनों बजेंगे। देखिए समझ में आया रहेगा आप लोगों को, तो सेम 2 नंबर चैनल में ऐसे ही काम करेंगे, लेकिन और एक रहेगा जो सबवूफर, तो सबवूफर इसका क्वालिटी कैसा देता है मैं बताऊंगा। इसका बेस क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होता है, जो जागे पे हिला देता है, मतलब आवाज़ बहुत दूर तक भी भेजते है। चले उसका साउंड टेस्ट भी करेंगे, तो इसको मैंने थोड़ा साउंड कम कर दूँगा क्योंकि यहाँ से खोलना है। चलिए इसको पीछे से मैं डाल लेता हूँ, आप सुनाता हूँ कि इसका जो सबवूफर क्वालिटी कैसा होता है। थोड़ा वॉल्यूम उठा देता हूँ, पूरा घर को हिला रहा है, वो इतना हमिंग कर रहा है और वाइब्रेशन कर रहा है, ठीक है। तो इस वाइब्रेशन के साथ मैं थोड़ा सा हाइस बजाऊंगा, देखता हूँ कैसा लगता है।
इसको ऑन करता हूँ। सिर्फ मैं यहाँ से हाइज बजा रहा हूँ और यहाँ पर सबवूफर बजा रहा हूँ, ठीक है। तो सिर्फ सबवूफर देखिए, और एक बार दिखा देता हूँ इसका हमिंग कितना ज़बरदस्त करता है। तो आज का वीडियो था इतना ही। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ छूट गया या समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ज़रूर बताने का कोशिश करूँगा। इस वीडियो बनाने के लिए बहुत परेशान होता है या तकलीफ भी होता है, तो इसलिए अगर वीडियो को अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक और कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा। आज के लिए इतना ही।